डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर द गेट एग्जाम। और इस कंप्लीट रोड मैप में मैं आपको सारे पॉइंट्स, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन जो है वो अपनी गेट एग्जाम की बहुत ही अच्छे ढंग से करनी है। और इस वीडियो के दो की पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लास्ट 5 मंथ स्ट्रेटजी। लास्ट, अब आपको पता है कि भैया सेप्टेम्बर स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास 5 महीने बचे हैं, तो मेरे को किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है ताकि मेरा जो टारगेट है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि भैया टारगेट क्या होना चाहिए आपका, क्योंकि कई बार होता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि यार मेरे को कितना रैंक या मेरे को कितने मार्क्स तक मेरे को लेके जाना है ताकि मैं एक सेफ सिचुएशन में रह सकूं। क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन का एक, आप कह सकते हो कि हमारा एक बाय नेचर ही है कि यार एक सेफ स्टेट हमें पता होनी बहुत ही जरूरी है। हाँ ठीक है, हम उसके ऊपर जो है वो जा सकते हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मेरे को पता होनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हो और गेट की तैयारी के बाद आपको पता है कि जब आप एग्जाम दोगे आपका मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा, तो आपने उसके बाद करना क्या है, उस रैंक का, उन मार्क्स का करना क्या है? या तो आप क्या करोगे, एमटेक एमई के लिए जाओगे, किसी ना किसी आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटीज में, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में आप जाने की कोशिश करोगे ताकि आपको 2 साल में वहां पर पढ़ाई करके एक अच्छा प्लेसमेंट यहां से मिल जाए। तो यही चीज जो है, क्योंकि बीटेक में हो सकता है आपको अच्छा पैकेज नहीं मिला या बीटेक में रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो हम उस चीज को एमटेक में कवर अप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंपनीज जो हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पैकेज अच्छा देती हैं, तो जो आप वहां पे नहीं ले पाए, और इन केस आपके बराबर जो आपके कोई स्टूडेंट है, कोई भी आपके साथ में था, अगर उसको उस टाइम पे पैकेज मिल गया तो आप 2 साल बाद उससे बराबर या उससे आगे भी जा सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं एक टारगेट ये लेके चल रहे। दूसरा हो सकता है पीएसयू का टारगेट है। पीएसयू के लिए मैं आपको बता दूं कि यार कहीं ना कहीं इस बार जो है ना प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, और उसके अलावा अगर हम बात करें ना, उसमें रैंक जो है वो काफी अच्छा आपका आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स काफी कम होती हैं, स्पेशली अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो उसमें बहुत ही कम होती हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं फाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी सेफ स्टेट के लिए हमारा टारगेट जो है वो क्या होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें तो 45 मार्क्स हमारे मिनिमम मेरे को सेफ स्टेट में लेके चलना है। अब अगर कई बार स्टूडेंट क्या आता है कि सर वैसे तो 30 मार्क्स चाहिए होते हैं या 33 या कई बार 27, कट ऑफ इतने के राउंड जाती है 30 के राउंड, तो भैया कट ऑफ का क्लियर करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि लाइक 35-38 मार्क्स के राउंड आपको कोई कॉलेज मिल जाए, स्टाइफंड भी मिल जाए, लेकिन अगर मुझे 2 साल बाद अगेन वही सिचुएशन आ रही है जो बीटेक में थी, तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यार ये 45 मार्क्स वाला मैंने टारगेट क्यों लिया है। और अगर हम रैंक की बात करें तो अगर आप रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप मान के चलो कि 3500 से लेस, मतलब 3000 या 3500 से लेस आपका जो है वो रैंक आना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो, तब जाके आप टॉप के, मतलब देखो आईआईटीज तो सबसे पहले आपको पता ही भरते हैं, सबसे पहले आईआईटीज भरेंगे, मतलब आप इन केस मान के चलो कि जो टॉप 7 है वो 500 रैंक के राउंड भर जाते हैं। फिर उसके बाद जो नए आईआईटीज है, बात एक ही है, प्लेसमेंट उनमें भी उतनी है, जबरदस्त प्लेसमेंट उसमें भी है, तो 1000 रैंक तक 1200 रैंक तक आप वो लगा लो। फिर उसके बाद आपके आगे एनआईटीज में भी कई ऐसे हैं जो हो सकता है 500 रैंक पे मिलते हो, मतलब एक मैं आपको एवरेज सिनेरियो बता रहा हूं। तो एनआईटीज आगे, ट्रिपल आईटीज आगे आपके, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट हैं, बिट्स पिलानी, कईयों के अलग टेस्ट भी होते हैं, तो आप वो टेस्ट भी भर सकते हो, लेकिन उनमें सिलेबस आपका गेट वाले ही रहता है, तो आपको बेनिफिट वहां पे भी हो जाएगा। इसके अलावा कई जैसे यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो अगर हम ओवरऑल इन सारी सीट्स, इन सारी चीजों को देखें तो नियर अबाउट 3000-3500 रैंक, या आप कह सकते हो 45 मार्क्स से अबव आपको लेके आना है। तो पहली चीज अभी नोट कर लो, जो स्टूडेंट अभी जाग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टेंडेंसी यही रहती है कि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है ना, आप देखो लास्ट 5 मंथ बचे हैं, अब मैक्सिमम स्टूडेंट जाग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि सर मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो तैयारी कर ली होगी, नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट अब जाग रहे होंगे। मैं खुद बताऊं कि अगर जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी 2011 में, तो मैं खुद अगस्त एंड पे ही जागा था, तो इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइम पे ही जागते हैं कि मेरे को तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले पॉइंट पे पता लग गया कि अपने जो शेड्यूल आप बनाओगे ना, उस शेड्यूल में सबसे पहले लिख लो कि मेरा टारगेट जो है वो ये है, इससे ऊपर लेके जाना, मतलब ये मेरी
मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मुझे 50 तक, फिर 55 तक, फिर 60 तक, ये मेरे को आगे के करना है। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और उसको करना मुश्किल को आसान कैसे करोगे, जब आप जितना जितना सिलेबस जो है वो अच्छे अच्छे से करते जाओगे, बस वैसी चीजें आसान होती जाएंगी। तो इसीलिए पहला टारगेट तो ये लेके चलना, और फिर हम बताऊंगा कि यार कैसे आपको अपनी तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से करनी है। अब देखो, टारगेट सेट हो गया, अब हम उस टारगेट, वही जैसे हम करते हैं ना कि एम मैंने सेट कर लिया, मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, तो मैं उस टारगेट को जीपीएस में लगा लेता हूं। जीपीएस में मैंने लगा लिया कि सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, गाड़ी अब स्टार्ट कर ली। अब मुझे पता है कि भैया पाथ को कैसे फॉलो करना, मतलब डायरेक्शन मेरे को मिल गई। डायरेक्शन मिलनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन लेस ही चलते रहते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलती, उनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलती। तो इसीलिए गेट स्मैशर्स पे आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिल रही है, चाहे आप ऑनलाइन, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और आने वाला टाइम भी ऑनलाइन का ही होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपनी तैयारी इसी ढंग से, इसी सिनेरियो के बीच रह के ही करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि यार कंप्लीट रोड मैप में ये आपको 10-11 टॉपिक्स मिल रहे होंगे, 11, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो आपका यहां पे आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो फिक्स है, 13 मार्क्स का आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फिक्स है, जिसमें डिस्क्रीट वाला पोर्शन, ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है वैसे तो, ये अगर आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको ये मैं जो पूरी की पूरी फाइल है ये आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको जो है ना इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैंने टॉपिक्स जो है वो सारे मेंशन किए हुए हैं। ये सारे जो है वो टॉपिक्स हैं, जैसे एल्गोरिदम है, इसमें भी आपको जो है वो टॉपिक ये सारे के सारे इस तरीके से दिख जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मस्ट टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, ये आपको साथ ही प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, ये प्लेलिस्ट का लिंक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ये इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो खुल जाएगा, यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इस पूरी फाइल में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे और मैक्सिमम प्लेलिस्ट। सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि जैसे डिजिटल लॉजिक जो आ गया, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, अब इसमें भी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे मेंशन है, मेमोरी, पाइपलाइनिंग, एड्रेसिंग मोड, आईओ, इंटरप्ट एंड एएलयू, ये देखो सारे मेंशन किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, और उनके साथ ही आपको प्लेलिस्ट भी मेंशन की हुई है। तो जैसे ही आप वहां पे जाओगे, क्लिक करोगे, आपको मैक्सिमम जो है वो सिलेबस कवर अप किया हुआ है ने, बिल्कुल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पूरी की पूरी वीडियोस जो है वो सारी की सारी गेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और बहुत ही स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि कोई 2-4 स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको पढ़ के अच्छा रैंक ले चुके हैं। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से विद कॉन्फिडेंस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है वो देन आ जाती है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन हमारे पास आ जाता है जी एल्गोरिथम, 6th ये आपका टॉपिक आ जाता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये आपको जो जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं ये मस्ट है, मतलब इनको छोड़ना नहीं है। और अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, देखो ये तो सिलेबस आपको दिख ही जाएगा, आपको बहुत जगह ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि सबसे पहली स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए। दूसरा, अब आपको पता है कि आपके पास 5 मंथ्स है, कितना टाइम है आपके पास, 5 मंथ्स है, तो 5 मंथ्स में आपके कितने, तकरीबन अगर 1 मंथ में 4 आपके वीक पड़ते हैं तो 22 के अराउंड 22-23 वीक्स होंगे। तो अब आपका टारगेट जो है वो क्या होना चाहिए, 1 सब्जेक्ट पर वीक, इससे आप ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। मतलब एक वीक में एक सब्जेक्ट करना बहुत ही मस्ट है। शेड्यूल बना लो, अभी से टाइम टेबल बना लो, जो पहले बना रखे होंगे उनको छोड़ दो, अब ये वाला टारगेट फॉलो करो, 1 सब्जेक्ट पर वीक। तो जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो एल्गोरिदम से स्टार्ट कर दो, 7 दिन में आप एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट करना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। जो टॉपिक बीच में थोड़े बहुत मिसिंग भी है ना, उनको मैं भी फटाफट से कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी मैं उनको बना दूं। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट करो, साथ साथ गेट के क्वेश्चंस करना बहुत ही जरूरी है, प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन करो। डेली बेसिस पे नहीं होते तो कोई बात नहीं, अब 2-3 दिन पहले टॉपिक पढ़ लो, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि गेट के क्वेश्चन एकदम से सॉल्व करना
आपके मतलब इजी काम नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी बेस अच्छा है तब ठीक है, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप एक बार जो है वो अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप वीडियो नहीं देख पाओगे, नोट्स से ही आपको आइडिया मिलेगा। तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा कौन सा नोट्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है इस ढंग से करते रहो। देन अगर हम बात करें वन सब्जेक्ट पर वीक, तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे दो वीक जब आपके हो गए, मतलब कहने का कि आपके दो वीक में दो सब्जेक्ट आपने कर लिए, जैसे पहले वीक में एल्गोरिदम कर लिया, दूसरे वीक में आपने लेट से ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया, ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गए। अब दो वीक के बाद आपको तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तीसरे सब्जेक्ट पे चले गए ना एल्गोरिदम दिमाग से खिसकता जाएगा, तो इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो एल्गोरिदम जब ऑपरेटिंग सिस्टम दो वीक में हो गया, तो थर्ड वीक में पहले आप एक दो दिन में इसको दोबारा से कर लो। और रिवीजन कैसे करोगे, दोबारा से पढ़ने का मन नहीं करता कई बार, जब हमें लगता है कि अरे तो आता है मेरे को, ये तो आता है, ये तो मैंने पढ़ लिया, सबसे बेस्ट है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उस टाइम पे आप क्वेश्चन लगाओ, लेकिन घबराना नहीं है अगर गेट के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बस करते रहो, आंसर देख लो, आंसर से आप अंदाजा लगा लो, उसकी एक्सप्लेनेशन से देख लो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, आपको पता लगेगा कि कहां पे आपकी कमी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, वन सब्जेक्ट पर वीक, दो वीक आपके यहां पे बन जाएंगे तो दो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट, फिर रिवीजन करनी है। देन उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट का टेस्ट सीरीज वाला, कि सर मुझे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अभी आपको सिलेबस का कुछ आता नहीं है और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लोगे, तब तो बिल्कुल ही बुक्स बंद करके बैठ जाओगे कि भैया मेरे से तो होना ही नहीं गेट। क्यों, टेस्ट सीरीज में जब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज कब लें, सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, जब आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब हाफ सिलेबस इसके अकॉर्डिंग, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग कब कंप्लीट होगा, जब आपके 6 वीक्स हो जाएंगे। तो 6 वीक्स में तकरीबन आपका 6 मतलब 6 सब्जेक्ट हो गए, तो हाफ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो आप कह सकते हो कि अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो 15 अक्टूबर के अराउंड जो है, मतलब आपके जो है 6 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, क्या करनी है, कहां से करनी है, लेकिन अभी जो है वो आपको यहां से पढ़ना स्टार्ट करना प्रॉपर। देन कंपाइलर डिजाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट है, डेटाबेस कंप्लीट है, नेटवर्क्स कंप्लीट है। ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है 15 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ये स्कोरिंग मार्क्स है, तो ये आपको जो है साथ साथ करते हो तो भी ठीक है, नहीं तो लास्ट में आप थोड़े 2-3 वीक लगा के भी इसको कवरअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका इंग्लिश का पोर्शन है। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत कर रहे हो तब भी आपको ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज पहले कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके लास्ट में भी आप इस पे जा सकते हो। तकरीबन ऑफलाइन कोचिंग्स में भी जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स, वहां पे भी ऐसे ही करते हैं ये चीजें जो है वो, कहीं ना कहीं पहले हम कोर सब्जेक्ट में थोड़ी पकड़ कर लें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बन जाए, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे, क्योंकि ये तो आप डेली बेसिस पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, सब जगह कहीं ना कहीं एप्टी रीजनिंग हो रही है। और वैसे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड रीजनिंग वैसे ही थोड़ा ठीक होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी है। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है जी डाउट, डाउट तो आएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट तो बनेंगे, इवन कोचिंग्स में भी बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन उनको हम सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए बेस्ट है ग्रुप्स ज्वाइन करो, लेकिन ग्रुप्स भी अच्छे वाले, जिनमें फालतू की चीजें चलती हैं उनको छोड़ दो, जिनमें आपको लग रहा है कि यार मैं क्वेश्चन कोई डाल रहा हूं उसका आंसर मेरे को मिल रहा है, तो ऐसे ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेशली गेट स्मैशर्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया भी होगा, लेकिन और भी आगे ज्वाइन करवा सकते हो। आपको मैं बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट्स, 3-4 सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी कवरअप करवा चुका हूं, लेकिन ड्यू टू मेरे को यहां पे घर जो है वो अपना शिफ्ट करना था और मेरे को ऑफिस भी शिफ्ट करना था, तो उसकी वजह से मेरा तकरीबन लास्ट 1 मंथ जो है वो इस चीजों में बिजी रहा। तो मैं दोबारा से फिर इसी वीक से स्टार्ट करने जा रहा हूं, गेट का जो है फ्री कोर्स हमने स्टार्ट किया था, तो मैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो गाइज, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी मिलेगी, और टारगेट लेके चलना जो मैंने आपको बताया है, फिर धीरे धीरे करके जब हम अक्टूबर में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 45 से 50 तक, फिर अब जब नवंबर में जाएंगे, दिसंबर तक आते आते हम टारगेट जो है वो अपना 55 60 तक लेके जाएंगे, तो एकदम से चीजें नहीं बढ़ती, पहले हमें जो है वो थोड़ा थोड़ा मेहनत, तो तकरीबन मान के चलो कि 6-7 आवर्स मिनिमम है देने पड़ेंगे अगर आप गेट को करना चाहते हो। अगर आपका बेस बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग में आपने अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छी स्टडी की हुई है,
तब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 3-4 घंटे की मेहनत भी चल जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे आप, क्योंकि एक वीक में एक सब्जेक्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो फटाफट से वीडियो को ठीक है 1.25 1.5 की स्पीड पे जो आपको सेट लगता है उस स्पीड पे देखो, लेकिन नोट्स बनाते रहो साथ साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहो। थैंक यू।